भाई ये है वो गड्ढा जहाँ पर भाई सांपों की टोली रहती है। यहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं इस गड्ढे के अंदर। ये मैंने तो ताई को बुला लिया कि भाई इधर रहना खतरे से खाली नहीं है ना, क्या फायदा भाई यहाँ पर कहीं आ जाए। तेरा मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ ना, है ना मानस कैमरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कंट व्लॉग से एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस अभी शाम का 4:32 हो रहा है और भाई फिलहाल अभी पता है मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैं हूँ भाई खेत पर, अपने ताऊ जी का घर सामने मैं आया हूँ भाई खेत पर। मेन काम क्या था यहाँ पर आने का भाई, मेन काम ये है कि भाई अब ये जो दिख रहे हैं ना आपको पोल, अब यहाँ पर पोल नहीं रहेंगे कुछ टाइम बाद। यहाँ पर ये दीवार लग जाएगी जिससे कि भाई जो जानवर वगैरह अंदर घुस जाते हैं ना और ये चरी वरी खा जाते हैं कुछ नहीं खाएंगे। इस तरफ से भी लग जाएगी और उस तरफ से भी लग जाएगी। और पापा लोग थे बिजी तो मुझे ही आना पड़ा और इस मारे में आज ब्लॉग भी नहीं कर पाया भाई सुबह के टाइम पर। अभी ब्लॉग स्टार्ट करा है मैंने और इसी मारे करा है कि बता दूं आप लोगों को, है ना सारी चीज़ें बताता ही हूँ तुम लोग को। तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात और लाइक नहीं करते वीडियो को, तो सुना करो और वीडियो को भी लाइक करा करो। और गाइस ये जो पोल है ना, सब ये पोल जितने दिख रहे हैं आपको, ये हो गया ये हो गया, ये सब हटा दिए जाएंगे और कोई तार वगैरह नहीं होगा। तार वगैरह से क्या होता है ना, कोई जानवर अंदर घुस जाता है तो उसके पैरे में लग जाता है, खून वगैरह आ जाता है। तो पापा ने इसलिए ये चीज़ ही हटवा दी पूरी, पापा ने यहाँ पर दीवार लगवा दी पूरी। चलो फिलहाल ताई के पास चलते हैं। ताई देखो भाई, ताई को खुद डर ही नहीं है ना सांप का ना कुछ, ताई को बस अपना चरी काटने में लगी हुई है। ताई इस वाले रास्ते से गई है देख रहे हो, ताई को कोई डर ही नहीं है। इस वाले घर में बोलते हैं बहुत सारे सांप है, ताई को इसका भी डर नहीं है। अगर सांप हुआ तो भाई ऐसा डसेगा ना, छोड़ेगा नहीं कहीं के लायक। तो गाइस ताई देखो, ताई ताई मजे आ रहे हैं वो देखो, ताई आराम से अपनी ड्रेस व्रेस पहन के लगी हुई है यहाँ पर ये घास वास काटने में जो भी है। और गाइस ये जमीन देख रहे हो जहाँ पर ये धान उगे हुए हैं, ये जमीन देखो आप ये कैसी हो रखी है, बिल्कुल गुलगुली और ऐसी होनी चाहिए भाई, इसमें अच्छे तरीके से ग्रो पाते हैं ये। भाई अभी हमें खेतों के बीच बीच में, ताई आप तो डेली करते हो ना, सांप दिखा आपको अभी तक बीच बीच में कहीं पे? है आपके पीछे मोटा है, आपके पीछे भाग गया था भाई, ताई के पीछे सांप पड़ गया था भाई परसों, ताई बता रही है। कहीं मेरे पीछे ना पड़ जा भाई, बड़ा डर है भाई ये तो। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखो ये घास है ना, खेत खलिहान कितना मस्त लग रहा है, प्यारा प्यारा सा लग रहा है। हाँ डर है सांप आपका, लेकिन बहुत प्यारा सा लग रहा है, बहुत अच्छा फील लग रहा है मुझे तो। इसको आप लोग कह सकते हो बेस्ट वाइब एवर भाई, सच बता ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई। अभी जहाँ को ताई जा रही है ना, ताई बहुत भयंकर सांप है इधर भाई, ताई कह रही है यहाँ पर इस जगह पर एक बहुत भयंकर सांप रहता है, इधर ही साइड है कहीं भाई। ये है वो गड्ढा जहाँ पर भाई सांपों की टोली रहती है, यहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं इस गड्ढे के अंदर। और सब जैसे कि अभी कोई ऐसे ना यहाँ से आएगा, कोई देख लेगा उस सांप को तो भाई दोबारा से यहीं छलांग मार देता है वो, और इधर ही रहता है वो, इसके यहाँ पर रहेगा या तो ये झाड़ियों में रहेगा कहीं, क्योंकि ये फिलहाल अभी किसी का घर बन रहा था और उन्होंने रोक दिया काम इसका, तो यहाँ पर गड्ढा उन्होंने ऐसे खाली छोड़ दिया भाई। वो देखो मेढक मार रखे हैं उसने सांप ने, वो देखो वो। लेकिन भाई हमारी ताई नहीं मानती है, ताई को हमारी घास काटनी है बस। ताई इधर को मत आया करो ना, अरे वो देखो ताई को लगा ऐसा लग रहा है कि यहाँ कीड़े लगे हुए हैं, अरे वो तो कीड़े लगे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या करती हो भाई। मैंने तो ताई को बुला लिया कि भाई इधर रहना खतरे से खाली नहीं है ना, क्या फायदा भाई यहाँ पर कहीं आ जाए ऐसे करके, इधर ही है, मुझे तो डर भी लग रहा है भाई, इधर ही साइड है यहीं पर ही, भागो भागो यहाँ से भागो भाई। अभी ताई को वहां से निकाल के लेकर आया, ताई यहाँ चली गई अब। हे प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मेन चीज तो गाइस पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई ये जो धान लगे ना इनमें कीड़े लग चुके हैं, ये जो पीले पीले, ताई यही है ना जो पीले पीले से हो गए हैं भाई, ये जो पीले पीले से हो गए ना, ये देखो ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ताई कह रही है ये सब इनमें सब में कीड़ा लगा हुआ है, ये सब कीड़ा लगा हुआ है, इस वजह से पूरे पीले हो चुके हैं और इसी वजह से हमारी ताई परेशान है बेचारी। ये चल रही है मौची जिंदगी, देख रहे हो मस्त। भाभी बैठना आपको ऐसे ही, ताऊ आपको बैठना है ऐसे, आगे बैठना है ताऊ, बताओ आगे बैठना है आपको, जैसे भैया लोग बैठे थे आगे नहीं बैठना। ताऊ लोग और पापा लोग सब साइलेंट है हमारे, सब साइलेंट। गाइस मैं तो भाभी से कह रहा था भाभी बैठती आप एक बार चक्कर लगवाते आपको आगे बैठा के, हैं भाभी कितनी धीरे बोलती आप बैठ जाओ आप। लो भाई चल दिया ट्रैक्टर, भैया ने अपनी जगह ले ली आगे, देखो मस्त बैठे हुए भाई, हवा हवा लग रही होगी भैया को तो अच्छी खासी, भाई दोनों जने बैठ गए आराम से। गाइस जिस काम के लिए मैं आया था, खंबे लग रहे थे यहाँ पर, खंबे मतलब दीवार लग रही है ना,
तो भाई एक तो लग गई है यहाँ पर, और अभी भाई एक एक, एक करके लगते रहेंगे सब। वाह, इनको तो गिरा ही दिया पूरा, इनको टेढ़ा ही कर दिया, देखो पूरा ही टेढ़ा कर दिया। तो अभी फिलहाल गाइस पापा लोग आ चुके हैं, है ना, तो अब मैं जाता हूँ भाई घर में, तो थक गया भाई बहुत ज़्यादा, है ना, मैं थक गया ना। The next day. Hey guys, good morning. This is the next day, guys. और भाई कल तो यार ब्लॉग कर नहीं पाया था मैं, थोड़ा शाम के टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था, आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी मैंने मस्त मस्त। और आज फिलहाल भाई मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो फटाफट से भाई नाश्ता करते हैं उससे फिर निकलते हैं हम लोग सीधे कॉलेज के लिए। भाई आज मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, ये देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी, लेकिन बस मैं कॉलेज पहुँच जाऊँ क्योंकि बाइक तो है नहीं मेरे पास अब, है ना, अब तो मैं गरीब हो चुका हूँ और ज़्यादा, और मैं आ गया हूँ ऑटो पर, तो ऑटो से भाई जाने में थोड़ा सा बारिश में भीग जाता हूँ मैं, बस बस थोड़ी देर बारिश ना हो जब तक तो कॉलेज पहुंच जाऊँ, उसके फिर बारिश होती रहे रुके ही ना कभी, बाढ़ आ जाए मैं तो कह रहा हूँ। दिन भर सोने के बाद दोबारा से मेरी मम्मी, दोनों मम्मियाँ, ये बहन, तू नहीं बिगाड़ा, ये बहनों ने मम्मियों को बिगाड़ा है, ये बहन नहीं, हाँ मम्मा जल्दी हो नाश्ता दो, कॉलेज जाना है मुझे, तू मत दो, तुझे देते थे नहीं देते थे, तुझे देते थे, तू सबके लिए पैक करा कर लेकर जाती थी क्या पता वो मेरे व्लॉग भी देख रहे हो अभी। गाइस मेरी प्यारी मम्मा ने मुझे प्यारा सा नाश्ता दे दिया है, तो फटाफट से नाश्ता करता हूँ, मम्मी की शक्ल देखते देखते, है ना मम्मी, बहुत अच्छी शक्ल है आपकी इसलिए। तो फिलहाल गाइस मैं तो हो चुका हूँ रेडी, और एक कंघी नहीं करी आज मैंने, चलो मम्मी निकलता हूँ मैं, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है मुझे लेने, ठीक है जाऊँ उसके साथ ही ना पक्का। और मेरी मम्मी इतनी फ्री माइंडेड है ना, कुछ नहीं कहती है मम्मी, पता और कहती है दो तीन और बना ले, है ना, एक मम्मी कहती है मेरे लिए ले आ, क्या बोलते घर पे काम वाम कर लेगी, मुझे नहीं बता दो बस, तुम अपने लिए रखो संभाल के, 10-15 बनाओ कोई टेंशन नहीं। तो गाइस पापा भी आ चुके हैं, अब फटाफट से निकलते हैं हम लोग। भाई आ चुके हम लोग कॉलेज, इतनी मेहनत करके आए ना भाई मैं क्या बताऊं, और ये पोपट होने वाला देखना हमारा, साइकिलें खड़ी कर दी है, साइकिल से आए हम लोग आधे रास्ते, और ये अनुराग भाई की है, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है। हाँ भाई क्लास चल रही है ना, बहुत अच्छी क्लास चल रही है भाई, अनुराग ने बुलाया मुझे, हैं ये देखो कुछ लिखा ही नहीं है बोर्ड पे, भाई बहुत पागल बनाते हैं भाई ये बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली क्लास ले ली है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिसकी बारे बात कर रहा था मम्मी से उसके साथ निकल चुका हूँ मैं, और सॉरी मार रहा, थप्पड़ मार रहा है भाई, एक तो ये है और एक ये है, है ना। और भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मैं तो घर निकलूंगा फटाफट से, क्योंकि भाई दो क्लास भी नहीं हुई हमारी, दो हुई। गाइस बताओ कैसी है ये, सुंदर है ना, मैं तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं थोड़ा ना गर्लफ्रेंड हूँ तेरा, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ ना, है ना मानस कैमरा भाई भाईचारे में तो चलता है ना। भाई अगर मैं गिरा ना तो भाई हड्डियाँ भी नहीं मिलनी है मुझे, तो ऐसा लग रहा है मिल जाएगी हड्डी मिल जाएगी, हड्डी मिलेगी लेकिन कुछ और नहीं मिल पाएगा। सही बात है भाई, ये देखो कैसे खड़ा हूँ बीच में होता है, ये देखो खड़ा कैसे हूँ, ये देखो दोनों टांगों के बीच में होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो गाइस फाइनली भाई मैं घर पे पहुंचा हूं, और मैं जैसे पहुंचा हूं घर पे वैसे बारिश स्टार्ट हो गई, देखो गद्दी भी गीली हो गई, ये छेद वाली गद्दी गीली हो चुकी है। तो गाइस फिलहाल मैं आया भाई ऊपर, और फटाफट से मैंने कपड़े चेंज करे भाई, इतनी गर्मी लग रही थी ना हद से ज्यादा, और एक तो बारिश हो रही थी अभी तक और रुक गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, गाइस ने भी देखा है क्या, देखा गाइस ने कि बारिश हो रही थी नहीं। मैं मामा बहुत अलग तरीके का बच्चा हूँ ना, जिसकी 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं, और चार चार मम्मी पापा है, मतलब दो पापा दो मम्मी है ना, और बहन भी है एक काली काली थोड़ी सी, मतलब काली काली चाय पीती है वो, इसको छोड़ना कह रहा हूँ काला, इसी चाय पीती है काली, ये देखो हट यहाँ से, तेरे भाई बहन है काले काले, हैं भाई बहन है काले, भाई बहन मेरे बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं। गाइस यहाँ पर देखो मम्मा ने मुझे भी काली चाय दी है, इससे हमारा गला ठीक हो जाएगा अभी तक, तो गाइस अभी इतनी तेज बारिश हुई है ना, इतनी ज्यादा तेज, हद से ज्यादा तेज बारिश हुई है अभी, कसम से बता रहा पूरा मौसम काला पड़ा है, अभी 5 बज रहा है, 5 बजे इतनी तेज बारिश हुई है। तो गाइस यहाँ पर देखो गर्मा गर्म समोसे, सब लोगों ने खाना भी, ये क्या कर दिया तूने समोसे का, कबाड़ा बना दिया पूरा, इसमें चटनी डालेगी अब, ये मैं अपनी नहीं लूंगा मैं चटनी, ये जाना खाना गलत बात है दीदी यार, ये तो गाइस ये वरना ऐसी करती रहेगी, मैं फटाफट से खा लेता हूँ। भाई समोसे खाने के बाद बीमार कौन पड़ता है ये बताओ, पंखा तो मैं चला दूंगा, बीमार कौन पड़ता है समोसे खाने के बाद, पहले से तबीयत खराब थी तो फिर समोसे क्यों खाएं, मन था अरे यार चला दो
अरे बोल सॉरी, समोसे घर ने गलत खा ली। बोल ये बता, तुझे सर्दी लगी है? लड़ा नहीं, वो तो मैं चला लूंगा। ये बता, तुझे सर्दी लगी है? तो हम कैसे मानेंगे तुझे सर्दी लगी है? ऐसे रोने मारूंगा, नाक निकाल के देगा, खराब हो जाएगा। मैं मम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और गाइस देखो, बाहर तो बारिश हो रही है। मम्मा ने सारे कपड़े हमारे, कच्चे मोजे, जो भी सारी चीजें थी, इनकी शर्ट स्कूल की, सब यहीं टांग दिए हैं। फिलहाल गाइस मैं तो अभी आ गया था अंदर, और मैंने भाई अभी पता क्या करे, इतने सारे असाइनमेंट्स करे अपने, इतने सारे असाइनमेंट्स अभी कम्प्लीट करे मैंने। और गाइस बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई तुम डेली व्लॉग्स ही डाल रहे हो, तो भाई अब ये व्लॉग पढ़ने के बाद भाई रेगुलर व्लॉग स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। एक दो दिन का गैप हो सकता है बीच में अभी, क्योंकि पेपर वगैरह का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बस एक दो दिन का गैप, उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है ना। और चलो गाइस मैं फटाफट से जा रहा हूँ डिनर करने, और यार लोग हम लोग यहीं पर कर देते हैं एंड। आई होप ये व्लॉग आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कट फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए चौकोज़।